गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट आई रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो वास्तव में वो क्या साइंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अप टू द मार्क नहीं है। बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये इन्विटेशन कार्ड है बहुत सारी बीमारियों के लिए। इसलिए एक ऑप्टिमम इम्यूनिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो आज उन साइंस के बारे में हम बात करेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इसकी जिम्मेदारी है कि हमको बॉडी को बहुत सारे इंफेक्शन से बचाए। ये वायरल इंफेक्शन से बचाए, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाए, ये फंगल इंफेक्शन से बचाए, ये प्रोटोजोअल जो इंफेक्शन होते हैं उनसे बचा के हमारी बॉडी को रखे। ये बहुत सारे जो इंफेक्शन हैं इनसे हमारी बॉडी को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है एंड हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। नाउ अगर हम इम्यूनिटी को देखें ध्यान से तो कभी ऐसा होता है कि कोई वायरस या कोई भी इस तरह का पैथोजन है वो हमारी बॉडी में अगर किसी तरह एंट्री पा जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करता है कि ये फॉरेन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर आया, इन उसको अगेंस्ट में एक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसको एलिमिनेट करता है। दैट इज द फंक्शन जो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। और एक बार इस तरह का पैथोजन आया तो इसको ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ताकि दोबारा कभी ये पैथोजन आए तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने पाए। नाउ अगर आपको वीक इम्यूनिटी है तो ये बिल्कुल बात सही है कि कभी ऐसा होगा कि आप बार बार बीमार होंगे, आप बहुत अपने आप को कमजोर या एग्जॉस्टेड फील करेंगे। अगर आपको बहुत एग्जॉशन होता है या एग्जॉस्टेड फील करते हैं इन बार बार आप बीमार होते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो वीक तो नहीं हो गया है। ये एरियाज हैं जो मैं चाहूंगा कि आप इन पर ध्यान दें। नंबर वन इज द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। आप देखिए कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसका 70% वास्तव में इज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द गट इटसेल्फ। ये इम्यूनिटी जो है वास्तव में इंटेस्टाइन से आती है 70%। हमारे जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं या इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वास्तव में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका पावर हाउस माने जाते हैं। एंड जो पैथोजेंस हैं उनको फाइट करने के लिए दीज आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। ऐसा माना जाता है कि जो गट में बैक्टीरिया होते हैं वो टी सेल की जो ग्रोथ होती है या जिसे आर्मी सेल्स भी कहा जाता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करते हैं। एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कि जो जितने भी इस तरह के इंफेक्शन हैं उनको लड़ पाएं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आपको डिसबायोसिस है या कि गट के बैक्टीरिया गड़बड़ हैं या इम्यूनिटी का सिस्टम गट में प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको इंफेक्शन होंगे, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। एंड अगर गट में बैक्टीरिया गड़बड़ है तो आपको ये सब भी सिम्टम्स आएंगे कि कभी डायरिया होगा, कभी गैस बनेगी, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी ब्लोटिंग आएगी, तो ये सब भी सिम्टम्स आएंगे। बट अगर वीक इम्यूनिटी का सिस्टम है तो आपको इन्फेक्शन प्रोन हो जाएंगे, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा एंड आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। नाउ सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन में है कि अगर आप ध्यान से देखें कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं यह वास्तव में डिसाइड करता है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी रहेगी। यह डिसाइड करता है कि आपका गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वास्तव में कैसा रहेगा। अगर आप सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा लेते हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स ज्यादा लेते हैं, आपको आदत है प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेने की, तो आप मान के चलिए कि डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो हमेशा सफर करेगी। अगर आपको उसको ठीक रखना है तो जरूरी है कि आपकी जो डाइट है उसमें रिच फाइबर हो, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और ओवरऑल एक बैलेंस डाइट हो, सो दैट एक जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, जो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके। आपको अपनी जो डाइट है उसमें वास्तव में प्रोबायोटिक जो फूड्स हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिकली जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये गट की जो हेल्थ है वो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। नंबर दो पर आती है वुंड हीलिंग। जो भी आपके शरीर में घाव होता है, चाहे हाथ में हो जाए, पांव में हो जाए, कहीं भी अगर घाव हो जाता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो जब भी घाव होगा तो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो वास्तव में इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन का काम है कि नई सेल्स को वहां भेजा जाए और नई सेल्स को भेजा जाए तो हीलिंग की प्रोसेस को किया जाए और जो हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें स्कार टिश्यू बनाया जाए जिससे कि आपका घाव सूख जाए, घाव आपका पूरा भर जाए। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है,
तो वास्तव में ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, ये न्यू सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये वास्तव में हेम्पर हो जाएगी। अगर हेम्पर हो जाएगी तो घाव भरने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा गड़बड़ा जाएगी। नो, इसका सोल्यूशन है क्या? देखिए, जहां तक ब्लड सप्लाई का सवाल है, घाव के एरिया में ब्लड सप्लाई को तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से ही जो घाव है वो सूखेगा, जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा और एक रीजनरेशन की प्रोसेस ठीक होगी जिससे कि ये घाव पूरी तरह से भर जाएगा। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक, ये तीन चीजें हैं जो इम्यूनिटी के लेवल को ऊपर करती हैं एंड घाव की जो हीलिंग है उसमें आपको हेल्प करती है। जो कोलेजन का फॉर्मेशन है जो हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो वास्तव में विटामिन सी की जिम्मेदारी है। ऐसे ही विटामिन डी एंड जिंक आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो रिकमेंडेशन है साइंटिफिकली कि जो घाव है उसको वास्तव में आपको ड्रेस्ड या कवर्ड रखना चाहिए। अगर हल्की सी वार्मथ रहती है कवर्ड घाव में तो वास्तव में ये जो वार्मथ होती है या जो हल्का सी गर्मी उसमें होती है ये हीलिंग में हमेशा हेल्प करती है। तो इसलिए घाव जो है या वुंड है उसको कवर्ड रखने की जरूरत है। नाउ थर्ड वन इज द एक्सट्रीम फटीग एंड एग्जॉशन। अगर आपको लगता है कि आपने रात में पूरे सोए, आपने बिल्कुल एडिक्वेट स्लीप ली, लेकिन आप सवेरे सोके उठे तो भी बड़ी थकान लग रही है, पूरी बॉडी में जो है दर्द हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, देन इट इज समथिंग विच इज इंडिकेशन ऑफ दिस थिंग कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम इज नॉट वर्किंग अप टू द मार्क। आपकी जो एनर्जी का लेवल है साइंस ऐसा मानती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द ऑप्टिमम वर्किंग ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, आपका इम्यूनिटी का लेवल ठीक है, तो आपका एनर्जी का लेवल ठीक रहेगा। तो अगर इम्यूनिटी आपकी कमजोर है तो आपको सवेरे थकान होगी, अगर थकान होगी तो आपको लगेगा कि आप और लेटें, आराम करें या सोएं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉडी आराम करके या आपको नींद लाके वास्तव में रिकवर करने की या इम्यूनिटी के सिस्टम को बेटर करने की कोशिश करती है। नाउ हाउ डू यू कोप विद द प्रॉब्लम? There are certain exercises and yoga. Science ऐसा मानती है कि अगर आप योगा करते हैं and exercise करते हैं तो इससे वास्तव में जो blood का circulation है across the body वो हमेशा improve होता है। अगर blood का circulation across the body improve होता है तो वास्तव में energy जो flow है उसका जो एक improvement है is visible. Science ऐसा मानती है कि अगर आप योगा करते हैं तो न सिर्फ आप अपने nervous system को strengthen करते हैं but आप अपनी thyroid की gland को भी strengthen करते हैं। अगर nervous system, थायराइड ग्लैंड, ये दोनों ऑप्टिमम वर्किंग करती हैं तो आपका जो फटीग एंड एग्जॉशन है वो वास्तव में कंट्रोल होता है। नंबर चार पर आता है फ्रीक्वेंट कोल्ड या सर्दी खांसी। ये बात बिल्कुल सही है कि साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा बोला कि ऑन एन एवरेज जो एडल्ट्स होते हैं उनको साल में 2 से 3 बार सर्दी खांसी जुकाम तो होता है। तो साल में 2 से 3 बार सर्दी खांसी जुकाम इज नॉर्मल यूजुअल फॉर अडल्ट, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्दी खांसी हर महीने हो रही है, सर्दी खांसी लगातार बनी रहती है, सर्दी खांसी आपको बार बार होती है, इसका मतलब यह है कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम शायद वीक है। अगर इम्यूनिटी का सिस्टम आपका वीक है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल एंड आपको हाइजीन, इन दोनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो ये दो चीजें हैं इन पर ध्यान दीजिए। जैसे कुछ आपकी लाइफस्टाइल, जैसे से फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं, तो जो स्मोकिंग आप करते हैं तो जो धुआं आप इनहेल करते हैं उसके चलते हमारे जो मुंह या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें जो छोटे छोटे सिलिया होते हैं वास्तव में वो डैमेज हो जाते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको भी डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स और बिकॉज ऑफ द स्मोक। तो ये वास्तव में आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको सप्रेस करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है तो वास्तव में आप बार बार सर्दी खांसी जुकाम के लिए एक्सपोज होते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, स्मोकिंग को बंद करने की जरूरत है। नंबर टू, आपके हाइजीनिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो एकदम अप टू द मार्क बिल्कुल ठीक होनी चाहिए अगर आपको वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो। नंबर तीन, आपको ऑड आवर्स पर स्लीपिंग की जो आदत है वो बंद करना चाहिए। आपको अपना स्लीप का जो रूटीन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड करने की जरूरत है एंड आपको किसी भी हालत में स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ऑड टाइम पर स्लीप करते हैं एंड आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो ये वास्तव में क्रॉनिकली आपको लेथार्जिक और बहुत सारी बीमारियों को प्रोन करने की ताकत रखती है। इसलिए स्लीप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नंबर पांच पर आती है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आप देखिए कि जब आप
एंग्जियस होते हैं या स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी कुछ कॉर्टिको स्टीरॉइड या कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। जो कॉर्टिसोल है वास्तव में हमारे जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको सप्रेस करके चलता है, और अगर ये इम्यूनिटी के सिस्टम को सप्रेस करेगा तो वास्तव में लिम्फोसाइट के काउंट को कम करके चलता है। दिस इज बेसिकली व्हाट द कॉर्टिको स्टीरॉइड्स डू। तो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है आपका अगर लेस एफिकेशियस होगा तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इन आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको खतरे में डालेंगी। ये भी बात सही है कि जब आपको एंजाइटी होती है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसको कोप अप करने के लिए आप कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं, आप स्मोकिंग करने लगते हैं, आप अल्कोहल इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इनसे आपको टेम्परेरी ऐसा लगता है कि मेरी एंजाइटी तो कम हुई, बट अल्टीमेटली जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो और वीक होता चला जाता है। तो आपकी ये जो हैबिट्स हैं ये वास्तव में काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, ये हेल्पफुल नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको वास्तव में एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की जरूरत है जिसमें योगा भी चाहिए एक्सरसाइज भी चाहिए। साइंस ऐसा मानती है दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये बिल्कुल बात सही है कि जब जो लाफ्टर है वास्तव में जो आपके ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है उसको हल्का सा डायलेट एंड रिलैक्स करके चलती है, अगर डायलेट एंड रिलैक्स करके चलेगी तो वास्तव में जो ब्लड का फ्लो है वो बेटर हो जाएगा, अगर ब्लड का फ्लो बेटर हो जाएगा तो वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ज्यादा मिलेगा। जब आप हंसते हैं तो वास्तव में आपका जो लंग है वो रिलैक्स होते हैं, एंड लंग्स जो है ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी को ज्यादा मिलता है एंड हेल्प्स यू आउट। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल है वो ब्रेन में लाफ्टर कम करने की ताकत रखता है। इसके अलावा साइंस ऐसा मानती है कि इमोशनल इन सोशल सपोर्ट ग्रुप्स पर्टिकुलरली द फैमिली एंड द फ्रेंड्स ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस को लेवल करने को नीचे लाने के वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। इनको आपको हमेशा सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करके रखने की जरूरत है, कल्टिवेट करके रखने की जरूरत है। और जब भी आपको लगता है कि स्ट्रेस का लेवल कुछ ऐसा है जो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपकी लाइफस्टाइल या आपका डेली रूटीन को गड़बड़ाया किया हुआ है, तो शायद फिर आपको साइकेट्रिस्ट या एक मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत है। तो जहां तक मेरा ऐसा सोचना है कि वीक जो इम्यूनिटी है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप रिस्क में हैं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी, पर्टिकुलरली दी इन्फेक्शंस। और अगर आप प्रोन हैं इन्फेक्शंस के तो यू नेवर नो कि आप किस सीरियस इन्फेक्शन में फंस जाएं। तो इसलिए इम्यूनिटी का जो सिस्टम है इसे अप टू द मार्क होना ही चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वीक इम्यून सिस्टम को पहचानने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।